Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को कार्नोट साइकिल पढ़ाई थी. क्या मैं उम्मीद करूं आप लोगों को कार्नोट साइकिल क्लियर है? बबुआ बोलो, बबुआ क्लियर है कार्नोट साइकिल? हाँ या ना? वीडियो सबके ऑन होने चाहिए, पहले ही बोल रहा हूं. जिस किसी का भी वीडियो ऑफ हुआ उठा के बाहर भेज दिया जाएगा. टू बी वेरी फ्रेंकली, आप लोग चाहते हो कि आपको उठाकर बाहर फेंका जाए? नहीं चाहते तो चुपचाप खड़े रहो, वीडियो खोल लो है, और जो भी बातें पूछूं मुझे जवाब देते जाना. मैंने आप लोगों को पिछले टर्म पे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल पढ़ाया था, और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला पूरा ड्राइव करवाया था. हमारा जो फॉर्मूला आया था दैट वॉज ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 upon T1. यस और नो? सही बोल रहा हूं? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 upon T1. हमने हीट इंजन वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? मुझे बता सकते हो इसमें सोर्स का टेम्परेचर कौन सा वाला है, T1 है या T2 है? सोर्स का टेम्परेचर 12 निकाल, सोर्स का टेम्परेचर T1 है. अच्छा, T1 हाई टेम्परेचर होता है सोर्स का या लो होता है? हाई होता है, और सिंक का लो होता है, ऐसा मैंने बताया है. बोलो भाई, बताओ कि ना बताओ? बताओ है ना? आगे बढ़ जाऊं? चलिए ठीक है. यहां पर कुछ लोग 10 से 11 वाले बैच के हैं, तो 10 से 11 वाले बैच भी आज इसी में आ गया है, उसका टाइम यही शिफ्ट हो गया है. तो मैं आपको बता दूं इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस T2 upon T1, ये 4 से 5 वाले बैच में मैं पिछले टर्म पे करा चुका था. मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग इस क्लास के बाद उसे देख लेना, आप लोग पूरी कथा समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब आपको आगे की क्लास समझने में. ये बात तो आप पढ़ चुके हो कि T1 जो होता था वो सोर्स का टेम्परेचर होता था, और T2 जो होता है सिंक का टेम्परेचर होता है. ये तो आपको पता है ना? बोलो भैया, इंजन में बताया था मैंने, 10 से 11 वाले भी इस बात को जानते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. क्लियर? अगर पढ़ के आए होंगे तो ऐसे टुकुर टुकुर नहीं देख रहे, ऐसे घुर घुर के देख रहे हैं, जैसे कुछ बताया ही नहीं है मैंने. क्लियर? तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ता हूं, आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं. इसके बाद हमारे सामने जो बेटा अगला क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्या है हमारे सामने अगला क्वेश्चन. हीट इंजन तो मैंने आपको करा दिया, आगे देखते हैं. इसके बाद बेटा हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, और उस न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक आर रिस्पेक्टिवली 300 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस. ऐसा कह रहा है हमसे, और कह रहा है कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन. और इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, शायद मेरे ख्याल से मैंने ये न्यूमेरिकल भी आपको करा दिया था ना पिछले टाइम पे आप लोगों को, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है. चलो करा दिया तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो इधर देख लें, क्योंकि मुझे याद आ रहा है करा दिया. देखो भैया, वो कह रहा है कार्नोट इंजन की इफिशियंसी में कैलकुलेट करूं, तो इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है. अब उसने मुझसे ये कहा है कि सोर्स का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, तो सोर्स के टेम्परेचर को हम लोग T1 से डिनोट करते थे, और सिंक का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है. तो मैंने बताया था हर वो फॉर्मूला जहां पर आप टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट करते हो, वहां पर टेम्परेचर हमेशा काय में रखा जाता है? केल्विन में रखा जाता है. बोलो, रखा जाता नहीं रखा जाता? रखा जाता ना, तो बदल लो इसे केल्विन में. तो 300 प्लस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, तो 273 ऐड करते हैं, तो बराबर ये हो गया 573 केल्विन, और ये 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया तो 273, तो ये हो जाएगा 288 केल्विन. सिंक ले रहे भैया? तो ईटा इज इक्वल टू आपका हुआ 1 माइनस T2 upon T1. T2 कितना है हमारे पास? T2 है हमारे पास 288 डिवाइडेड बाय T1 हमारे पास कितना है 573. और मुझे लगता है अब तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं.
और इसे जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.497. दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन. आई होप यू अंडरस्टैंड. फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है जिसमें बोल रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्रीऑन. एक्चुअली क्या है, फ्रीऑन एक गैस है जिसे हम लोग एज अ कूलेंट यूज करते हैं, एज अ कूलेंट यूज करते हैं, चीजों को ठंडा करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है. और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CCl2F2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन. क्लियर, इसका केमिकल नेम क्या है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन. कमर्शियली हम लोग इसे जो नाम यूज करते हैं फ्रीऑन गैस. क्लियर, कोई भी पूछे फ्रीऑन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है तो CCl2F2, केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन. याद रखना ये जो गैस है एज अ कूलेंट हम लोग यूज करते हैं. क्लियर है, समझ में आ रही है बात. आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ू भैया. चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं. इसके बाद बेटा हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, डिफाइन रेफ्रिजरेटर और हीट पंप और कंप्रेसर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हेड्स. नंबर वन डेफिनेशन, नंबर टू मेन पार्ट्स, नंबर थ्री कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस. क्लियर, तो चले भैया करें शुरुआत. तो भैया रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम हीट को ट्रांसफर करते हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ. कहां से कहां की तरफ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ. क्लियर, आप लोगों को जो बोल रहा हूं सुनाई दे रहा है ना प्रॉपर, थोड़ा आप मुंडी मुंडी हिलाते डुलाते रहे जिससे मुझे पता चले कि हाँ भैया आप तक बात जा रही है. क्लियर, ओके, चुपचाप सुन ना बैठे रहे, ठीक, चलो अच्छी बात. तो चलते हैं, रेफ्रिजरेटर क्या होता है या हीट पंप क्या होता है या कंप्रेसर क्या होता है ये बात हमें समझनी है, तो गौर से सुनिएगा सब लोग. इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं इसे समझाने की, एक बात मुझे और बता दो, मैंने आपको इफिशियंसी या परफॉर्मेंस निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो तो, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट. क्लियर है, पता है आपको ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी चीज की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए, है ना, इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए. चलिए तो समझते हैं रेफ्रिजरेटर है क्या, तो गौर से सुनिएगा सब लोग. ये आपका फ्रिज है, क्या है ये हमारा फ्रिज. क्लियर, क्या है हमारा ये फ्रिज. अब हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल कब करते हैं, वैसे तो आजकल 12 महीने आप फ्रिज का इस्तेमाल करते हो, बाकी का यूजुअली फ्रिज जो डिवाइस बनाई गई है सर्दियों के लिए या गर्मियों के लिए, गर्मियों के लिए. वेरी गुड विकास, हाथ नहीं है तुम्हारे, जवाब दो, सर्दियों के लिए या गर्मियों के लिए. हाँ गर्मियों, अब अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसे जवाब देते रहा करो. क्लियर, अच्छी बात है. तो हमें मालूम है फ्रिज गर्मियों के लिए बनाया गया है, तो जब गर्मियां हैं तो फ्रिज के चारों तरफ ये सराउंडिंग है, तो ये हाई टेम्परेचर पर है या लो टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पर. इट मीन्स दिस इज बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, क्या है ये, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, यानी ये हाई टेम्परेचर पर है. क्लियर है, समझ गए, अच्छी बात है. फ्रिज में रखते क्या हो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स यही तो रखते हो, है ना, तो ये वेजिटेबल्स ये जितनी भी वेजीज हैं या फ्रूट्स हैं, है ना, ये सब मैं फ्रिज में रखता हूं. क्यों रखता हूं फ्रिज में, जिससे ये फ्रेश रहे. फ्रेश कब रहेंगे, जब ठंडे रहेंगे. कैसे रहेंगे ठंडे, अगर ये ज्यादा गर्माए जाएंगे तो सड़ान पैदा करेंगे, सड़ी जाएंगे. अब मैं चाहता हूं ये सड़े नहीं, ये सड़े नहीं, तो कब नहीं सड़ेंगे, जब सीरे रहेंगे ठंडे रहेंगे. क्लियर, अच्छा अभी रुकना, अब ये फ्रिज में धर देगा मैंने, है ना, मैं जवाब दो, अभी ना धरे, अभी ना धरे, आप बताओ एनवायरमेंट है हाई टेम्परेचर पर है, और ये हाई टेम्परेचर पर है या लो टेम्परेचर पर है,
अभी ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है वो हाई टेम्परेचर पर हैं या लो टेम्परेचर पर हैं? हाई, अच्छा समझ गया मैं। नहीं, तुम गलत देख रहे हो, समझो मेरी बात को, समझो तुम। एक्चुअली तुम इस हिसाब से देख रहे हो कि फ्रिज में धरेंगे तब ठंडे होंगे, अभी तो गर्म है, ऐसे ही तो देख रहे हो, ऐसे ही तो देख रहे हो ना, ऐसे नहीं देखना। आप इसके टेम्परेचर को भी एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कंपेयर करें। अब बताओ, अब ये हाई टेम्परेचर पर है या लो टेम्परेचर पर है? हाँ, फ्रिज की तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही, अभी ये हाई टेम्परेचर पर है, ये लो टेम्परेचर पर है, एग्री करते हो आप इस बात को? क्लियर? अब मैं ये चाहता हूं कि ये हमेशा फ्रेश रहे, ये हमेशा फ्रेश रहे। तो फ्रेश कब रहेगी? जब ये ठंडी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, हम इसे ठंडा करेंगे तभी तो ये फ्रेश रहेगी। तो हमने जहां काय में धर दो, फ्रिज में धर दो, तो फ्रिज क्या करेगी? फ्रिज क्या करेगी इसमें? फ्रिज ये जो लो टेम्परेचर पर बॉडी है वहां से हीट निकालकर ट्रांसफर कर देगी कहां की तरफ? हाई टेम्परेचर की तरफ, यानी एनवायरमेंट की तरफ। नहीं, यही बात समझ रहे हैं? क्लियर? को पट्टा मोते पूछे कि कहरे फलाने व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, तो मुझे बोलेंगे कि लाला रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफरिंग इट टू अ हॉट बॉडी। नहीं, यही बात समझे? रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है एंड ट्रांसफरिंग इट टू अ हॉट बॉडी, या एनवायरमेंट हो गया हॉट बॉडी। नहीं, यही बात समझे? क्लियर? रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच इज एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफरिंग इट टू द हॉट बॉडी। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी नहीं हुए तो बताए, समझ गया रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफरिंग इट टू द हॉट बॉडी। नहीं, यही बात समझ? सीन क्लियर है? रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर की डिटेल्ड बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रियल मायने में काम क्या है? क्या रेफ्रिजरेटर का काम हीट को हाई टेम्प हीट को हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना है? रेफ्रिजरेटर का मेन मेन पर्पस क्या है हमारा? ठीक है, रेफ्रिजरेटर करता तो यही है, लेकिन रेफ्रिजरेटर आप काय के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? मेन रिजल्ट क्या है उसका? सर्जिए सिराए वो, सही बोल रहा हूँ ना, मेन आउटपुट उससे वही तो मिलता है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का मेन डेफिनेशन हमको समझ में आ गया, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू द हॉट बॉडी। इतनी बात हम लोग की समझ में आ गई है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे की बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। आइए देखिए, दिस इज साडा सोर्स। क्या है ये? ये अपना सोर्स है। मैंने सुना है सोर्स बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। जैसा रोज पढ़ रहे हो, पिछले 3 दिन आते हैं अवेलेबल नहीं आओगे। क्लियर? रोज पढ़ रहे हो सोर्स। दिस इज साडा सिंक, सुना है? इट इज एट लो टेम्परेचर 32 केल्विन। बोलो भैया। हाँ, और ये है अपना रेफ्रिजरेटर, यानी अपना फ्रिज। क्लियर? यार रेफ्रिजरेटर हो गया फ्रिज, ठीक है, फ्रिज हो क्या गया, रेफ्रिजरेटर फ्रिज ही होता है। क्लियर? सोर्स यहाँ हाई टेम्परेचर पे हो गया, तो यहां पर सोर्स जो है बेटा वो एनवायरमेंट का काम कर रहा है। क्या का काम कर रहा है? एनवायरमेंट का काम कर रहा है यहां पर, ये एनवायरमेंट का काम कर रहा है। सीन क्लियर है? और सिंक यहां पर कौन है मालूम है? क्या जो ईटेबल्स आप खाते हो, क्लियर, जितने भी वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं, क्लियर, तो ये सारे सिंक हो गए। सीन क्लियर है भैया? अब सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, रेफ्रिजरेटर क्या करेगा बताओ? इधर की तरफ हीट दे, इधर की तरफ हीट ऐसे देगा या जाके जो खींचेगा, क्या करेगा बताओ? हाँ, खींचेगा। अच्छा बच्चा ना, तो अच्छे ऐसी बात आने अल्लाह पाया तो। क्लियर? तो जाने इतने हीट खींची, कितनी हीट खींची? Q2। कितनी हीट खींची? Q2। सीन क्लियर है? अपने आप खींच लेगो, अपने आप नहीं खींच पाओगे, अपने आप नहीं खींच पाओगे,
जाके लिए हमें फ्रिज इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रिज में गैस भरी रहते, कंप्रेसर रहते फ्रिज में है, फ्रिज में जो गैस भरी रहती है सामान्यतः लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है यूजुअली, या फिर फ्रीऑन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्लियर? कूलेंट के रूप में हम लोग या तो लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं या फिर फ्रीऑन गैस का यूज करते हैं। क्लियर? ये वर्किंग सब्सटेंस होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? तो फ्रिज के अंदर ये जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसका काम क्या है, ये कोल्ड बॉडी से हीट को निकालना। अब यहां पर जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्रीऑन गैस वगैरह भरी है या लिक्विड अमोनिया भरा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। बोलो, जब वो वर्क डन करेगा तब यहां से फाइनली वर्क डन करेगा तो क्या होगा, यहां से हीट निकलेगी और ये पूरी की पूरी कहां की तरफ जाएगी, सिंक की तरफ। फ्रिज के पीछे कभी खड़े होके देख लेना, ठंडक रहती है या गर्माहट रहती है, ठंडक रहती है या गर्माहट रहती है फ्रिज के पीछे? हाँ, गर्माहट रहती है ना। तो ये जो ये वर्क डन करोगे तब यहां से हीट निकलेगी और ये पूरी की पूरी कहां जाएगी, एनवायरमेंट में। नहीं, यही बात समझ में, तो डब्ल्यू का आगे बराबर हो गया क्यू टू को, ये स्टेप समझ में आया आपको? क्लियर? तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका क्यू वन माइनस क्यू टू, ये स्टेप मैंने जो किया फिलहाल यहां पर। समझ में आया? कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? तो यहां पर भी जैसा कि आपने हीट इंजन में पढ़ा था, जैसा सोर्स यहां होता है वैसे यहां भी होता है, सिंक यहां भी होता है। ये रेफ्रिजरेटर है, यहां पर वर्किंग सब्सटेंस हमारा क्या होता है, लिक्विड अमोनिया होता है या फिर फ्रीऑन गैस होती है। क्लियर? कहानी समझ में आ रही है? किसी ने बोला रेफ्रिजरेटर का इफिशियंसी निकालो, यानी कि कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर का कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस बताइए, सीओपी, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का रेफ्रिजरेटर का कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मेंस पूछ रहा है, इफिशियंसी पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर की जो इफिशियंसी होती है यानी कि कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बबुआ? बीटा से। कैसे डिनोट करते हैं? बीटा से। तो भैया मैंने बताया था आपको किसी भी चीज का परफॉर्मेंस अगर आपको कभी भी निकालना हो, वी ऑलवेज डू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर? यहां पर रेफ्रिजरेटर से क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या नतीजा चाहते हो आप, क्या रिजल्ट फाइंड, इसमें यूजफुल रिजल्ट आपको क्या मिला? जो सब्जी में थे हीट निकल के गई, जो सिराए गई सब्जी वही तो आपका आउटपुट हुआ। बोलो भैया, तो ये क्या है, Q2? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? तो आउटपुट हमारा हो गया Q2। Q2 बोले तो यहां से जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो Q2 हो गया। सही बोल रहा हूं है ना? डिवाइडेड बाय आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट यानी इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या ताकत लगानी पड़ रही थी, हमको वर्क डन करना पड़ रहा है तभी तो हमें ये काम मिल रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, Q2 क्या हो गया, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू द वर्क डन, इज कॉल्ड कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई भैया? बोलो भैया, कहुए को परेशानी, सीन क्लियर है? हाँ जी भैया, मूड तो हिला दो कम से कम। धन्यवाद, एहसान कर दिया आपने हम पे। तो बीटा बराबर Q2 अपॉन W, W की जगह ये टांग दूं यहां पर Q1 माइनस Q2। बोलो भैया, क्या गलत कर दिया मैंने यहां पर? सबको बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं। अगर मैं Q1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा बताओ? अगर मैं Q1 का न्यूमरेटर ऐसे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करूं तो दोनों के साथ अलग अलग कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे बताओ? कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो पड़ेगा, तभी तो किया है। क्लियर? पर वैसे बैलेंस है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बोल रहा हूं मैं? समझ में आई बात सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। तो बीटा बराबर त्याई है लाला रे Q2 अपॉन Q1, ये Q1 से Q1 कूट दू तो 1 बचेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्या कोई परेशानी? सीन क्लियर है? स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को?
अच्छी बात, मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एफिशिएंसी ऑफ इटिंजन बताया था, ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2 / Q1, अगर आपको पता होगा। बोलो भैया, बताया था एफिशिएंसी ऑफ इटिंजन, और एफिशिएंसी ये भी हमने निकाली थी पिछले टर्न पे, 1 - T2 / T1। बोलो भैया, तो आप गौर से देखिए, 1 से 1 कैंसिल, -से -माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ Q2 / Q1 = T2 / T1। बोलो भैया, Q2 / Q1 = T2 / T1, तो Q2 / Q1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, T2 / T1। ऐसे यहां पर 1 - T2 / T1, क्या स्टेप समझ में आया भैया आप सभी को? बोलो, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा बीटा बराबर T2 / T1 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, तो T1 - T2 / T1, T1 से T1 कट गए। बोलो भैया, तो बीटा बराबर अपना आ गया बेटा यहां पर बीटा बराबर T2 / T1 - T2, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर। T1 काय का टेम्परेचर है, T1 सोर्स का टेम्परेचर है, T2 काय का टेम्परेचर है, सिंक का, वही जैसा कि अपन ने हीट इंजन में पढ़ा था, कहानी बिल्कुल सेम है। सीन समझ में आ रहा है आप सभी को, कोई दिक्कत? मैंने आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया, प्रसन्न मन से इसे पढ़ें और हल्का सा मुस्कुराएं। इसके बाद बेटा हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया है, उसमें बोल रहा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन 0°C and 70°C, 0°C and 70°C, और कह रहा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। वो कह रहा है किसी रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करो, तो रेफ्रिजरेटर के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को आप लोग कैरेक्टर बीटा से डिनोट करते हैं, और कह रहा है वो रेफ्रिजरेटर है ना 0°C से 70°C के बीच में काम कर रहा है। तो भैया मुझे मानने में रेफ्रिजरेटर जो है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू T2 / T1 - T2। अभी आली 2 मिनट पहले पढ़ा है, पढ़ो भैया, पढ़ो है कि ना, पढ़ो, पढ़ो है ना। टेम्परेचर कैपिटल टी से डिनोट किए जा रहे हैं, इसका वैल्यू केल्विन में रखनी पड़ेगी। अब इसमें से मुझे मालूम है एक सोर्स का होगा, इसमें से T1 सोर्स का होता है, T2 सिंक का होता है। अब इसमें क्वेश्चन में तो उसने मुझे दिया नहीं है कौन सा सोर्स का है कौन सा सिंक का है, उसने मुझसे बोल दिया एक फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करूं जो 0°C से 70°C के बीच में काम कर रहा है। तो आप मुझे बताओ इसमें सोर्स का टेम्परेचर कौन सा वाला होगा, पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा, पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा, सोर्स का दूसरा वाला होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सोर्स इज ऑलवेज एट अ हाई टेम्परेचर एंड सिंक इज ऑलवेज एट अ लो टेम्परेचर, पढ़ा था ना। तो चूंकि ये हाई टेम्परेचर पर है इट मींस दिस इज T1, यू गाइस क्लियर, और ये लो टेम्परेचर पर है दैट इज व्हाई इट इज T2, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 0 + 273 = 273 केल्विन एंड दिस बिकम 70 + 273, क्लियर। तो ये कितना हो गया आपका 270 और 70 343 केल्विन, सही जा रहा हूं मैं? बोलो भैया, क्लियर, सॉल्व कर लो। ओके, T2 चाहिए आपको, तो T2 हमारे पास कितना है, कहां है T2, कहां हो तुम, T2 हमारे पास ये रहा 273, 273, फिर T1 हमारे पास 343 - 273। अब तो सॉल्व कर लोगे इसे, और इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर वुड बी 3.9, ठीक है, नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने बेटा अगला क्वेश्चन है, उसमें मुझसे बोल रहा है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप सभी लोग ये जानते हो कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा से डिनोट करते हैं, है ना,
ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी. तो इफिशियंसी को हम लोग लेटर ईटा से डिनोट करते हैं. यस सर नो. तो वो मुझसे ये कह रहा है कि हम एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर दें जिसमें बीटा और ईटा दोनों आए, जिसमें बीटा और ईटा दोनों आए. क्लियर? तो करें शुरुआत. तो भैया मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मैंने बचपन में ये जाना है कि बीटा इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन माइनस टी. हवयाली ताजा ताजा पढ़ा है, है? हवयाली ताजा ताजा पढ़ा है. क्लियर? तो बीटा इज इक्वल टू ओके. तो चलिए अब मुझे ईटा लाना है. क्या लाना है? ईटा लाना है. तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने T1 का डिवाइड कर दिया. क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. तो T2 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय, यहां भी T1 का डिवाइड किया, तो दोनों के साथ अलग अलग कर दिया. कोई फर्क पड़ा है इस पे? फर्क पड़ा कोई? बोलो. फर्क तो पड़ेगा, पर वैसे बैलेंस्ड है मैथमेटिकली, है ना. तो गौर से देखिएगा सभी लोग, बीटा इज इक्वल टू टी वन से टी वन कट जाएगा तो केवल वन बचेगा. बोलो भैया. तो गांव वालों, मैंने बचपन में पढ़ा था ईटा इज इक्वल टू, ये पिछले टर्म पे आप लोगों ने एफिशिएंसी पढ़ी थी, ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन. थोड़ी देर पहले आपने इस फॉर्मूले को यूज किया था बबुआ, बोलो किया था कि नहीं किया था? तो ये हो जाएगा आपका, गौर से देखिएगा, भटे भटे भटे, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन. तो इसकी जगह ईटा. बोलो भैया, क्या गलत कर दिया मैंने? बोलो, सही कह रहा हूं. और अब बात आती है टी टू अपॉन टी वन. तो टी टू अपॉन टी वन को इधर ले आया तो ये प्लस का हो जाएगा वन, ईटा इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा. तो टी टू अपॉन टी वन की जगह क्या लिख दूं? वन माइनस ईटा. खूब घसीटा. क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये रिलेशन आ गया हमारा, बीटा इज इक्वल टू वन माइनस ईटा अपॉन ईटा. I hope you understand, guys. You better understand. देख लो फटाफट इसे. इसके बाद हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसमें मुझसे बोल रहे हैं एक्सप्लेन द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो चलिए दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग जानते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग जानते हैं. क्लियर? तो चलिए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. कैल्विन और प्लैंक दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया था जिसे हम लोग कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं. कोई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछे तो इसमें इन दोनों के स्टेटमेंट लिख देना, कैल्विन प्लैंक का भी लिख देना और क्लॉसियस का भी लिख देना. एक एक करके हम दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं. क्लियर? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में ये कहा गया कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना असंभव है जो 100% हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कैन कन्वर्ट टोटल हीट एनर्जी इनटू द वर्क विदाउट एक्सट्रैक्टिंग एनी हीट टू द सिंक. मैटर समझने की कोशिश करिए, ये इस प्रकार की सिचुएशन होगी. समझने की कोशिश करें, अपन ने हीट इंजन पढ़ा था अगर आपको याद हो तो. दिस इज द हीट इंजन, ये सोर्स, ये पेट्रोल के कुएं थे अगर आपको याद हो तो, दो तीन दिन पहले पढ़ाया था. और ये सिंक है जो एनवायरमेंट था हमारा T2 केल्विन, है ना. यहां से हम हीट लेते थे Q1. बोलो भैया, Q1 हीट हम जो लेते थे, फ्यूल चलता था तो गाड़ी चलती थी, तो कुछ हीट तो रिजेक्ट हो जाती थी एनवायरमेंट में. तो हम जो इंजन वर्क डन करता था तो Q1 माइनस Q2 आपने बताया था. पांच रुपये लेके जा रहा हूं, दो टपक गए तो पांच माइनस दो, याद आ रहा है सीन? नहीं बस है. तो उसने बोला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन बनाना असंभव है जो यहां से जितनी भी हीट आए उसे पूरा की पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, कोई भी हीट सिंक में ना जाए. ऐसा समझ गए? मतलब गाड़ी तो चले पर धुआं नहीं निकले. कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? उन्होंने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कैन कन्वर्ट टोटल हीट एनर्जी इनटू द वर्क विदाउट एक्सट्रैक्टिंग एनी हीट टू द सिंक. ऐसा कोई भी इंजन बनाना असंभव है जो सिंक को बिना कोई हीट दिए हुए 100% हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे. कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कैन कन्वर्ट टोटल हीट एनर्जी इनटू द वर्क विदाउट एक्सट्रैक्टिंग एनी हीट टू द सिंक या विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सिंक.
ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है जो बिना सिंक में कोई हीट ट्रांसफर करते हुए 100% हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना असंभव है जो टोटल फ्यूल को वर्क में कन्वर्ट कर दे, धुआं कुछ दे ही नहीं, क्योंकि धुआं नहीं दे रहा है इसका मतलब पूरी की पूरी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो उन्होंने बोला 100% हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, थोड़ा बहुत सिंक में जाएगा ही जाएगा। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कैन कन्वर्ट होल हीट एनर्जी इन टू द वर्क। क्लियर? उन्होंने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कैन कन्वर्ट टोटल हीट एनर्जी इन टू द वर्क विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सिंक। कहानी समझ में आई? सबसे पहले कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पढ़ लें शांत मन से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है क्लाउसियस स्टेटमेंट। क्लाउसियस स्टेटमेंट, तो ये आप चाय देख रहे हैं, मैंने चाय पीने के लिए नहीं मंगाई है, एक्चुअली मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं। क्लियर? ये चाय कैसी है, गर्म है या ठंडी है? गर्म है। और मेरा ये हाथ कैसा है? ठंडा है। अब मैंने इसको टच किया तो मुझे गर्म लगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर हुई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होना ही अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस है। दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी को कॉन्टेक्ट में रखती हो तो हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। क्लियर? कभी भी हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं होती, कभी नहीं होती। अगर ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। फ्रिज में यही तो कर रहे थे, फ्रिज में यही तो कर रहे थे, है ना? ऐसी कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो हीट को अपने आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर दे बगैर कोई एक्सटर्नल एनर्जी दिए हुए। हीट कभी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो अपने आप, देखो अपने आप हो रही है, लेकिन मैं चाहूं कि मैं आते हीट या ग्लास की तरफ ट्रांसफर हो जाए तो नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो क्लाउसियस स्टेटमेंट में यही कहा गया, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ एक्टिंग मशीन विच कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसी कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना असंभव है जो अपने आप हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर दे विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के लगाए कोई भी मशीन अपने आप हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं करती। रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर हीट को ट्रांसफर करता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, कंप्रेसर लगाना पड़ता है, फ्रियन गैस देनी पड़ती है, वो जब एक्सटर्नल वर्क करती है तब हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड से हॉट की तरफ, अपने आप तो नहीं होती ना। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? तो क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, बात समझ में आई? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ एक्टिंग मशीन विच कैन कन्वर्ट हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो एक बार पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।